पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने में बढ़ोतरी की गई है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस देवरिया सदर 4:25 बजे पहुंचकर 4:30 तक, मऊ 6:10 पर पहुंचकर 6:30 तक तथा वाराणसी सिटी 7:50 बजे पहुंचकर 7:55 पर प्रस्थान करेगी। इसके अलावा वाराणसी सिटी लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस देवरिया सदर 9 बजे पहुंचकर 9:05 पर प्रस्थान करेगी। लखनऊ वाराणसी सिटी एक्सप्रेस देवरिया सदर 7:40 बजे पहुंचकर 7:45 पर प्रस्थान करेगी। हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस देवरिया सदर 4:30 बजे पहुंचकर 4:35 पर प्रस्थान करेगी। काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस देवरिया सदर 1:45 पर पहुंचकर 1:50 पर प्रस्थान करेगी। इसी तरह 15 स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे कुछ ट्रेनों में बदलाव हुआ सर, क्या समय? अभी कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों का समय जो स्टॉपेज का था वो 2 मिनट से 5 मिनट किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन थे जहाँ पे पार्सल वगैरह की अनलोडिंग और अनलोडिंग वगैरह होती थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। 2165 एक ट्रेन है, लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस है ये। इसका स्टॉपेज देवरिया सदर मऊ वाराणसी सिटी में पहले 2 मिनट का था, तीनों जगह पे 5 मिनट किया गया है अप एंड डाउन दोनों में। इसी प्रकार से वाराणसी सिटी लखनऊ के बीच में चलने वाली ट्रेन का देवरिया सदर में 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। हावड़ा काठगोदाम भाग एक्सप्रेस का भी देवरिया सदर में स्टॉपेज 2 मिनट पहले था, उसको बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। इसी प्रकार से गोरखपुर छपरा, छपरा गोरखपुर का देवरिया सदर में 2 मिनट से 5 मिनट किया गया है। नौतनवा दुर्ग, दुर्ग नौतनवा का भी देवरिया सदर में स्टॉपेज 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। 1:23, 1:33 और 1:34 हावड़ा प्रयागराज रामबाग, इस ट्रेन का स्टॉपेज भी बनारस रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट पहले था, उसको बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है। इस ये बड़े स्टेशन से प्रमुख स्टेशन से जहाँ पार्सल की लोडिंग अनलोडिंग भी होती है और साथ ही साथ यात्री भी ज़्यादा संख्या में आते जाते हैं, तो रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह डिसीजन लिया है।